यूपी में आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे का सितम बढ़ सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि कुछ दिनों के बाद यूपी में भयंकर शीतलहर चलने की आशंका है। कई जिलों में कोहरा बहुत घना रहने वाला है, जिससे लोगों को अच्छी खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, इस वजह से कोहरा घना होता जा रहा है और रात में पारा और भी नीचे लुढ़केगा, ये मौसम विभाग का अनुमान है। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर है। पुलिस को देखकर भाग रहे हिस्ट्री शीटा सत्तार की मौत हो गई है। भागने के दौरान गिरने से हिस्ट्री शीटा सत्तार की मौत की खबर है। परिजनों ने पुलिस की पिटाई से मौत होने का आरोप लगाया और लहबड़ी गांव के लोगों ने जमकर हंगामा इसी को लेकर किया है। लोगों ने पुलिसकर्मी की पिटाई की, दोनों घायल हुए। हालांकि इस पूरे के मामले में पुलिस ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। सत्तार के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वही गांव में भारी संख्या में पुलिस तैनात है। टॉप 10 में शामिल था हिस्ट्री शीटर सत्तार। और बताया जा रहा है कि पुलिस सत्तार के घर सत्यापन करने के लिए गई हुई थी। इस दौरान पुलिस को देख करके सत्तार भागने लगा और भागने के दौरान गिरने से उसकी मौत की बात सामने आ रही है। मुक्का मारा, वो पकड़ के रह गया। नहीं, पुलिस की कोई पुरानी दुश्मनी थी क्या? दुश्मनी भैया, चार दिन से दौड़ दौड़ के पुलिस वाले आ रहे। मैं पूछ रहा हूँ क्या है सर, क्या है? मेरे घर पे घुस पड़े, मेरे को गाली दे दी। दो दिन के पहले आए थे, फोटो ले लिए थे बाप का। बोले हमारे से बाप का फोटो दिला दो। बाप का फोटो दिलाया, उसके बाद में झपट के उसको पकड़े। वो ऐसा करे ना, झपटे में भाग गया, नाक पे मुक्का मार दिया, वो और इसी पर लखीमपुर खीरी से मेरे साथी नवीन जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ में। नवीन, पूरा ही मामला है क्या, जरा बताएं विस्तार से, क्योंकि ये कहा जा रहा है परिजनों की तरफ से कि पुलिस की पिटाई से मौत हुई है। पुलिस ये कह रही है कि पुलिस के डर से भागने से गिरने की वजह से उसकी जान गई, क्या वजह बताई जा रही है? जी बिल्कुल, तो आपको बता दें, कल शाम का मामला है। पुलिस सत्यापन के लिए गई थी स्पीकर के घर, लेकिन पुलिस को देखकर जैसे देखा सत्तार भागने लगा, भागने के दौरान उसके गिरने से मौत हो गई, जैसा कि पुलिस ने बताया। हालांकि पुलिस के अपर सदस्य जो है, उन्होंने साफ घटना से इनकार कर दिया, कहा हमें जानकारी नहीं है। बड़े अधिकारी हैं, जिले के अधिकारी हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमें जानकारी नहीं। तो ये बड़ा प्रश्न भी उठता है कि इस प्रकार से, हालांकि मौत के बाद ग्रामीणों ने हंगामा किया और तो पुलिसकर्मी जो कहे थे उनको दौड़ा कर पीटा, जिनके सर में चोट लगी है। गंभीर हालत में अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। हालांकि मामला वहां पर गंभीर है और भी भारी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई है। ये हिस्ट्री शीटर की बात करते हैं अगर, तो 2017 में ये को लेकर हिस्ट्री शीटर शामिल हुआ था और इसकी तलाश लगातार की जा रही थी। ठीक है, शुक्रिया नवीन आपका पूरी जानकारी के लिए। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।